इस वीडियो में मैं आपको स्पाइस मनी रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि स्पाइस मनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पाइस मनी अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको स्पाइस मनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक नया स्पाइस मनी अकाउंट क्रिएट करने के लिए ज्वाइन स्पाइस मनी नाउ पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको एक मोबाइल नंबर डालकर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जिसको ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। आपको ओटीपी एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करनी होगी। इसमें आप पहले बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे के लिए आप यहां प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, पिन कोड और अपना एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद यहां अपलोड पर क्लिक करेंगे। आपको एक एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं। हम आधार कार्ड चूज कर लेंगे। आपको अपने आधार कार्ड की दोनों साइडें अपलोड करनी होगी तो यहाँ टू साइडेड चूज करेंगे और कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पर फ्रंट साइड अपलोड करेंगे और यहाँ पर बैक साइड अपलोड करेंगे। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कैमरा से अपने आधार कार्ड का फोटो क्लिक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो गैलरी से भी चूज कर सकते हैं। आपकी बेसिक डिटेल्स इंटर हो चुकी है और साथ ही डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गया है। इसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेकेंड आता है, इसमें आपको पैन डिटेल्स फिल करनी होगी जिसके लिए आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और साथ ही पैन कार्ड की एक फोटो क्लिक करनी है। अपलोड पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कैमरा से फोटो क्लिक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो गैलरी से भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका पैन कार्ड भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप, इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होगी। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर चूज कर लेना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप इसको यस करेंगे वरना नो करेंगे। नीचे आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है और यहाँ पर कैटेगरी चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना है, कोई भी आप दूसरा नंबर यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ सिलेक्ट कोर्स पर क्लिक करेंगे। इनमें से अगर आपने कोई कोर्स किया है तो आप चूज करेंगे वरना इसको नन कर देंगे। इसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस प्रोसेस में आपको अपना एक फोटो भी अपलोड करना होता है। इसके बाद आपको बैंक डिटेल्स ऐड करनी होगी जिसके लिए आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जो भी बैंक अकाउंट आप लिंक करना चाहते हैं स्पाइस मनी के साथ आप वो चूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें आपको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालना है। नीचे आप अकाउंट टाइप चूज करेंगे, करंट है या सेविंग, और इसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बैंक प्रूफ के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जिसमें आप बैंक का फॉर्म, बैंक की पासबुक या कोई कैंसिल चेक अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपका नेम, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपकी ब्रांच का नेम और आपका आईएफएससी कोड होना चाहिए। जैसे कि हमें बैंक की पासबुक अपलोड करनी है तो अपलोड पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कैमरा से फोटो क्लिक कर सकते हैं और अगर गैलरी में है तो आप उसको चूज करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपकी बैंक डिटेल्स भी सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको शॉप की लोकेशन डिटेल्स देनी होगी जिसके लिए आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपनी शॉप की लोकेशन डिटेल्स देनी होगी। पहले आप यहाँ पर लोकेशन का नाम डालेंगे। नीचे यहाँ पर आप ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम डालेंगे। अगर आपकी शॉप वीकली ऑफ रहती है तो आप इसको यस करेंगे वरना नो कर देंगे। नीचे आपको अपनी शॉप लोकेशन का पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, पंचायत और पूरा एड्रेस फिल कर देना है। साथ ही आपको अपनी शॉप लोकेशन का एक प्रूफ देना होगा जिसके लिए आप यहां अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसमें भी हम आधार कार्ड दे देते हैं। इसमें भी आप चूज करेंगे टू साइडेड और कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और उसके फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों का फोटो क्लिक करके अपलोड करेंगे और उसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। शॉप लोकेशन डिटेल्स ऐड हो चुकी है। इसके बाद आपको अपने बिजनेस डिटेल्स ऐड करनी होगी जिसके लिए आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको चूज कर लेना है अपना ऑक्यूपेशन, आप काम क्या करते हैं। इसके बाद नीचे आपको अपनी नेटवर्थ चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको अपना एनुअल टर्नओवर चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर डेट डालेंगे आपने बिजनेस कब से शुरू किया है। इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद आपको चूज कर लेना है आप हर महीने कितना बिजनेस कर लेते हैं और यहाँ पर आप एंटिटी टाइप चूज करेंगे, आप इंडिविजुअल है या कोई कंपनी है।
तो आप इसमें इंडिविजुअल चूज करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू। आपकी बिजनेस डिटेल्स भी ऐड हो जाएगी, इसके बाद आपको और दूसरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी जिसके लिए आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसमें आप चूज करेंगे कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हैं, इसको आप नो कर देंगे। इसके बाद है कोई अरेंजमेंट, इसको हम नो कर देंगे। जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी शॉप के साथ एक सेल्फी अपलोड करनी होगी जिसके लिए आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस तरह से अपनी शॉप के साथ आपको एक सेल्फी क्लिक करनी है जिसके लिए आप प्रोसीड टू क्लिक सेल्फी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक स्मॉल वीडियो डिक्लेरेशन देना होगा, यानी आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करना है और स्क्रीन पर जो भी लिखा हुआ आता रहेगा वही आपको बोलना होगा, जैसे कि आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, और उसके बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप अपना फेस कैमरा के सामने लाएंगे और स्क्रीन पर जो भी लिखा हुआ आपको मिलेगा वो आपको बोलना होगा, जिसके लिए आप प्रोसीड टू रिकॉर्ड वीडियो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू रिकॉर्ड वीडियो, ये परमिशन मांगेगा कैमरा स्टार्ट करने की, आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो ये सर्कल है इसमें आप अपना फेस लाएंगे और स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपका नेम, मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस लिखा हुआ होगा, तो वही आपको यहाँ अपना फेस शो करके बोलना है। आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, इसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो सेव हो जाएगा। स्मॉल वीडियो डिक्लेरेशन को लेकर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जस्ट एक वीडियो रिकॉर्ड करना है जिसमें आप अपना नेम, मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस बोलेंगे और साथ ही आप बोलेंगे कि मेरे स्पाइस मनी अकाउंट को अप्रूव किया जाए, इसके बाद आप वीडियो अपलोड कर देंगे। तो ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं सभी पर ग्रीन आइकन आ चुका है, आप यहां सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। आपकी ये सभी डिटेल्स सबमिट हो जाएगी, आपके पास SMS भी आ जाएगा और साथ ही आप यहां पर भी देख सकते हैं डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको वेट करना होगा, जैसे ही आपका स्पाइस मनी अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो SMS के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। सो इस तरह से आप स्पाइस मनी एप्लीकेशन में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, आप उस फॉर्म को फिल करके भी सबमिट कर सकते हैं, उससे भी आपको स्पाइस मनी का यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। एक बार आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो आप यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे और इसके बाद आप स्पाइस मनी की सर्विसेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया हुआ है।